अभी यहाँ पर विभिन्न हिंदू संगठन के कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और एक फिल्म को लगवाने की मांग कर रहे हैं जो है द कश्मीर फाइल्स। 18, 19, 20, 21, 22, 23 आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20, 25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते? Never allow Kashmir to be an integral part of this country. चाहे उसके लिए आग क्यों ना लगानी पड़े, this is the time for justice, Krishna. लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? Is this justice? अपना धर्म बदलो, भागो या मर जाओ। अभी हम मौजूद है रामगढ़ के राजीव पिक्चर पैलेस में और यहाँ पर एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब तक आपने सिनेमा घरों में हिंदू संगठन और विभिन्न संगठन के लोगों को प्रदर्शन करते देखा होगा, जहाँ पर लोग फिल्म को उतरवाने की मांग कर रहे हैं। वो फिल्म में कुछ ऐसी घटनाएं दिखा दी गई है जिसका विरोध करते हुए लोग पहुंचते हैं और फिल्म को उतरवाने की मांग करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर विभिन्न हिंदू संगठन के कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और एक फिल्म को लगवाने की मांग कर रहे हैं जो है द कश्मीर फाइल्स। ये कश्मीर फाइल्स कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए उत्पीड़न और उससे जुड़ी घटनाओं के ऊपर आधारित, सत्य घटना पर आधारित यह फिल्म है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके द्वारा नारेबाजी भी की जा रही है। यहाँ पर हिंदू संगठन के दीपक मिश्रा, प्रभात अग्रवाल, कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो फिल्म लगाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर हम दीपक जी हैं, हम दीपक जी से जानना चाहेंगे कि आखिर इस फिल्म पर आपका जोर क्यों है इतना, क्यों इस फिल्म को लगवाना चाह रहे हैं? देखिए, ये फिल्म नहीं है, ये वो एक सच्चाई है जो पूरे हिंदुस्तान से अभी तक छिपा के रखा गया था। कल हम लोग रांची में जा कर के देखें और बहुत तकलीफ हुआ कि पूरे रामगढ़ शहर के लोग एक मांग कर रहे हैं कि हम लोग रामगढ़ में देखें। आज हम लोग पूरे हिंदू संगठन मिल करके राजीव पिक्चर पैलेस शांति सिनेमा हॉल में जा करके आग्रहपूर्वक मांग किए थे। राजीव पिक्चर के प्रबंधक हम लोग के मांगों को सुन करके 2 घंटा के अंदर ही ये परिणाम दिए कि राजीव पिक्चर पैलेस में कल से संध्या 5 से 8, 8 से 11 लगेगा। ये पिक्चर कश्मीर के हिंदुओं के साथ जो अत्याचार, जुल्म, बलात्कार, अनेक प्रकार का जो दुर्भाव, दुर्घटना हुआ था वो दिखाया गया है, जो अभी तक सटा हुआ था। हम पूरे रामगढ़ वासियों से आग्रहपूर्वक मांग करते हैं कि द कश्मीर फाइल पूरे परिवार के साथ आकर के देखें। ये पिक्चर पूरे हिंदुस्तान में एक जनक्रांति लाएगा। बिल्कुल, जैसा कि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो हुआ, जो घटना हुई थी, जिस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार हुआ था, उस पर यह आधारित फिल्म, और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस फिल्म और ये जो घटना है इसको दबाई गई थी लोगों के द्वारा। यहाँ पर प्रभात अग्रवाल भी मौजूद हैं। इन लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। क्या झारखंड के और भी सिनेमाघरों में ये फिल्म लगी हुई है? रांची के सभी सिनेमाघरों में ये फिल्म लगी हुई है और यहाँ के राजीव पिक्चर पैलेस के मैं प्रबंधक को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हम लोगों को मांग को पूरा रखा और कल से यह फिल्म यहाँ पे दिखाई जाएगी सभी के लिए। बिल्कुल, कल से यह फिल्म दिखाई जाएगी, एक सच्ची घटना पर आधारित है। और कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ था उससे जुड़ा हुआ फिल्म है। यहाँ पर मैनेजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैनेजर साहब, बताएं इस फिल्म के बारे में क्या कुछ आपको विशेष जानकारी है और ये फिल्म क्या आप इस विरोध प्रदर्शन के बाद से क्या कल से ही लगाने जा रहे हैं? जी जी, हम लोग ये कश्मीर फाइल्स जो पिक्चर है हम लोग कल से लगा रहे हैं 2 शो में, 5 से 8 और 8 से 11। ये एक सत्य घटना पर आधारित पिक्चर है जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचार का सजीव चित्रण है और इसकी जो पॉपुलैरिटी है ऑल ओवर इंडिया, नहीं पूरे वर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलर हो रही है और सभी हिंदू संगठनों ने इसकी बहुत मांग की थी और फिर हम लोगों ने इस मांग को पूरा करते हुए कल से इसको हम लोग लगाएंगे। तो कल से राजीव पिक्चर पैलेस में कश्मीर फाइल्स सच्ची घटना पर आधारित यह फिल्म लगाई जा रही है जिसकी मांग हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा की जा रही थी। आप भी इस फिल्म को देखें और हम भी रामगढ़वासी हैं, हम भी चूक रहे थे, इस फिल्म को नहीं देख पा रहे थे, रांची तो नहीं गए, कल हम भी आएंगे और इस फिल्म को देखेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि इस फिल्म में क्या कुछ घटनाएं हैं और क्या कुछ
कश्मीरी पंडितों के ऊपर में आप बीती हुई थी, जिस दर्द को इस फिल्म में बयां किया गया है और जिसको लेकर हिंदू संगठन के लोग उस दर्द को लोगों के साथ दिखाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कश्मीर चल रहा है, खुले आम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। भाई आप परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? भाई बेटी की शादी है, अच्छा बैंक्वेट हॉल बुक करना है, वो भी कम बजट में, कहाँ मिलेगा? तो भाई गणपति मैरिज गार्डन है, वहाँ बैंक्वेट हॉल, लॉन, लाइट वर्क, टेंट वर्क और रूम्स सारा कुछ 98,000 के पैकेज में मिलेगा। ये तो बहुत ही रीजनेबल रेट्स में बुक हो रहा है, आप इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो मुझे। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं